हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों शेखर ट्रिकी म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसियो सीटीएक्स 870 IN कीबोर्ड में सस्टेन पैडल का यूज कैसे किया जाता है। और दोस्तों यदि आपके पास सस्टेन पैडल नहीं है तो दोस्तों आप देख रहे हैं शेखर ट्रिकी म्यूजिक। तो चैनल दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताने वाला हूँ कि सस्टेन पैडल अगर आपके पास नहीं है तो भी आप सस्टेन पैडल का यूज कर सकते हैं, वो भी एक ट्रिक के द्वारा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सस्टेन पैडल कैसा होता है। दोस्तों यह है हमारा सस्टेन पैडल जो कि आप किसी भी कीबोर्ड में इसे यूज कर सकते यूज हैं, क्या क्या है वो आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको अपने कीबोर्ड की तरफ और सीखते हैं सस्टेन पैडल के बारे में थोड़ा डिटेल में। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कीबोर्ड पर। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सस्टेन पैडल को कीबोर्ड में कैसे और कहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका कीबोर्ड पहले ऑफ होना चाहिए और उसके बाद ही आप इसमें सस्टेन पैडल या कोई भी अदर डिवाइस कनेक्ट करना हो तो आप इसे ऑफ करके ही कनेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका बैक पैनल दिखाता हूँ जहाँ पे आपको सस्टेन पैडल कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड को ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों यह है हमारा सस्टेन पैडल जो I1 लिखा हुआ है, ये सस्टेन पैडल है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, इस स्विच का भी काफ़ी रोल है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। और दोस्तों चलिए अब इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड में। दोस्तों यदि आपके पास सस्टेन पैडल नहीं है या आप नहीं खरीद सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि हमारा सेम टू सेम कीबोर्ड जो कि हमारा सेम टू सेम इसी सस्टेन पैडल के जैसे ही वर्क करने वाला है और कोई भी वॉइस में डिफरेंस नहीं आएगा, एग्जैक्ट यही वॉइस आएगी जो हम सस्टेन पैडल लगाने के बाद यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड में और देखते हैं इसका यूज़ क्या है। दोस्तों मैंने कीबोर्ड के ऊपर ही रख दिया है सस्टेन पैडल और आप यहां से देख सकते हैं यह है कीबोर्ड का बैक पैनल। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यह है कीबोर्ड का बैक पैनल, यहाँ पे आपका एडाप्टर लगता है और यहाँ पे जस्ट इसके साइड में आपका लगता है आउटपुट के लिए लीड, जो मोनो कनेक्टर लीड लगती है, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं किसी भी ऑक्स केबल को जो कि आप इस कीबोर्ड के थ्रू आउटपुट सुन सकते हैं। और दोस्तों इसी के जस्ट हमारे साइड में दिखेगा सस्टेनेबल पैडल, यहाँ पे हमारा लगता है सस्टेन पैडल। तो दोस्तों आप इसमें यहाँ पे ये मोनो लीड यहाँ पे इसे सस्टेन पैडल का कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा सस्टेन पैडल कनेक्ट हो चुका है कीबोर्ड से प्रॉपर। तो दोस्तों चलिए अब कीबोर्ड को ऑन करते हैं और देखते हैं सस्टेन पैडल कैसे वर्क करता है। चलिए दोस्तों हमारा सस्टेन पैडल कनेक्ट हो चुका है, अब हम कीबोर्ड को ऑन करते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने कीबोर्ड को ऑन कर दिया है। दोस्तों ये हमारा कीबोर्ड ऑन हो चुका है। और दोस्तों यदि आपको भी यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप कीबोर्ड ऑन करते हैं तो आपका ये टच रिस्पॉन्स आपके भी कीबोर्ड में ये टच रिस्पॉन्स ऑन रहता होगा जैसे ही आप इस कीबोर्ड को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा जहाँ पे पियानो और ऑर्गन दिख रहा है, आपको लिखा हुआ है फर्स्ट बटन है, उसके जस्ट आपको साइड में दिखेगा टच, यानी कि आपको टच इसका यहीं से ऑफ करने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इस बटन को थोड़ा होल्ड करके दबा के रखेंगे और यहाँ पे आपको देखेगा ऑफ, यानी कि आपका टच रिस्पॉन्स ऑफ हो चुका है। फिर आप कोई सा भी बटन दबा देंगे हट जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे काफी अच्छी क्वालिटी की आवाज आ रही है पियानो की, क्योंकि हमारा जो सस्टेन पैडल है उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, जिससे कि वो स्विच हमारा अभी ऑन है और ये सस्टेन पैडल अभी वर्किंग में है। तो दोस्तों इसलिए इसकी आवाज़ काफ़ी सस्टेन हो रही है, गूंज रही है, जिससे हमारा सस्टेन पैडल काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन होता है कि अब हमारा अगर सस्टेन पैडल कीबोर्ड से कनेक्ट है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सस्टेन पैडल कीबोर्ड में कनेक्ट हो चुका है।
दोस्तों उसके लिए आप डिस्प्ले पे देखेंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ी ब्लर हो रही होगी या क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वो दोस्तों आप, मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, आप अपने कीबोर्ड में भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा PED, यानी कि आपका पैडल कनेक्टेड है। अब दोस्तों मैं आपको इसको एक बार हटा के दिखाता हूँ डिस्कनेक्ट कैसे होता है। दोस्तों ये है हमारा सस्टेन पैडल जिसमें मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है ऑन और ऑफ के लिए। तो दोस्तों ये ऑन ऑफ नहीं होता है, ये हमारा होता है जैसे कि अभी हमारा जो पैडल है वो कनेक्टेड है क्योंकि हमारे डिस्प्ले में लिखा हुआ है PED। और जैसे ही हम इसको इस टाइप में इधर स्विच कर देते हैं तो ये क्या होता है कि इसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि आपका पैडल कनेक्टेड है, वर्किंग में है। और जैसे आप इसे होल्ड आउट करेंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा इस स्विच का मतलब, यानी कि आपको कोई भी ऐसा सॉन्ग प्ले करना है जो टोटली पियानो या इलेक्ट्रिक पियानो पे है तो आप इसे स्विच को ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका सस्टेनेबल आवाज़ आने लगेगा। और जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे तो ये आपका नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल पियानो जैसे आवाज़ करेगा। और दोस्तों यदि आपने इसे ऑफ किया हुआ है और आपको कहीं कहीं बीच में यूज करना है सस्टेन पैडल, तो आप इसे जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे इसे दोनों को ऐसे मतलब इसको प्रेस करेंगे या पैर से इसे प्रेस किया, इससे वैसे तो पैर से प्रेस किया जाता है लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ तो मैं इसे हाथ से बता रहा हूँ। अब जैसे ही इसे हमने यहाँ से प्रेस किया तो यानी कि आपका सस्टेन पैडल वर्किंग में आ गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है जिससे आप सस्टेन पैडल को यूज कर सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस बटन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। बाकी आप जैसे यूज करेंगे आपको इसका डिटेल पता चलता जाएगा कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक सस्टेन पैडल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो किसी भी अदर टोन पे जैसे स्ट्रिंग पे या किसी भी अदर टोन पे यूज करते थे सस्टेन पैडल तो उनकी आवाज़ कुछ ऐसे हो जाती थी जब वो सस्टेन पैडल यूज करते थे। जैसे यूज करते थे सस्टेन पैडल तो उनको ये काफ़ी समस्या हो रही थी क्योंकि आवाज़ इसकी फैल जाती थी। तो दोस्तों मैं आपका इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके कीबोर्ड में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो सस्टेन पैडल है वो हमारे नॉर्मल टोनों पे यूज होता है, जैसे पियानो हो गया, इलेक्ट्रिक पियानो हो गया, वाइब्रोफोन हो गया, प्लग हो गया, इन सब टोनों पे जो कट वाले टोन है या आपका बेंजो हो गया, इन सब टोनों पे ये हमारा सस्टेन पैडल काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इसी टोन के लिए ये हमारा सस्टेन पैडल यूज किया जाता है। तो इसे आप स्ट्रिंग जैसे टोनों पे या अदर टोनों पे यूज़ ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सस्टेन पैडल के बारे में समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब स्टेप नंबर टू कि हम विदाउट सस्टेन पैडल भी इस कीबोर्ड में सस्टेन पैडल जैसी वॉइस को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक और मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी ट्रिक। तो चलिए दोस्तों मैं सस्टेन पैडल को रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दूसरा स्टेप विदाउट सस्टेन पैडल डिवाइस के। चलिए दोस्तों हम सीखते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। और दोस्तों चलिए सीखते हैं दूसरी ट्रिक। और दोस्तों दूसरी ट्रिक सीखने से पहले आपके पास मैं बता दूँ कौन कौन से सामान होने चाहिए। दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक मोनो जैक, आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा मोनो जैक है। ये आप किसी भी शॉप से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका वही जैक है जो आपके ये पीछे वाले कीबोर्ड में यहाँ पे पीछे कनेक्ट होता है, उसी टाइप का ये जैक है। इसे आप कहीं भी शॉप से, आसपास में कहीं भी म्यूजिक वाले किसी भी स्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं, साउंड वाले से, डीजे वाले से,
सबके पास ही आपको मिल जाएगा, किसी भी मार्केट से आपको ये बाहर मिल जाएगा सब। और दोस्तों उसके बाद आपको पास एक होना चाहिए एक छोटा सा तार, इतना ही छोटा काफ़ी है। वो तार कैसा भी हो, कॉपर हो, नॉर्मल हो, कैसा भी तार हो, तो वो आपके पास ये तार होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ज़रूरत है इन दो चीज़ों की, और इन दोनों चीज़ें से आपका बन जाएगा सस्टेन पैडल। तो चलिए दोस्तों कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वाले मोनोजैक को यहाँ से घुमा के इसे इसे ओपन कर लेना है। और दोस्तों ये जो काला है इसको आप साइड में रख देंगे, उसका यूज़ नहीं है हमें, हमें यूज़ है इस चीज़ का। तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, तार को दोनों साइड से इसे छील लेंगे आप, थोड़ा सा इसे घुमा के इसमें करेंगे आप इसे कनेक्ट। इसमें आपको एक मिलेगा होल, आपको इसमें इस वाले होल में जो आपको ये होल दिख रहा है इसमें आपको इसको इसमें इसके अंदर डाल के इसको यहाँ पे एक बार टाइट कर देना है आपको, थोड़ा घुमा के इसको टाइट कर देना है। दोस्तों ये आपका इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट को हमें कहीं पे कनेक्ट नहीं करना है, इसको अभी ऐसे रखना है। जब भी हमें यूज़ करना पड़ेगा सस्टेन पैडल का तो हम इसके दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तब हमारा ये सस्टेन पैडल वर्क करना शुरू करेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका यूज़ करके देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल है, इसे हम अपने कीबोर्ड में यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आप डरे ना, इस पे आपके कीबोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक बार यूज कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कनेक्ट कैसे करते हैं कीबोर्ड में और इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ कीबोर्ड के बैक साइड में। दोस्तों ये वो पॉइंट है जहाँ पे अभी हमने अपने सस्टेन पैडल को कनेक्ट किया था, ये वाला मैं सस्टेन पैडल को निकाल देता हूँ और इसकी जगह पे मैं ये वाला पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें, और दोस्तों ये हमने कर दिया कनेक्ट अपना जो हमने ये ट्रिक बनाया था। अब दोस्तों जब भी आपको सस्टेन पैडल की वॉइस लेनी है तो आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार सिंपल आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। हम ले लेते हैं पियानो टोन, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी दोस्तों इसमें कोई भी सस्टेन वॉइस नहीं आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमें सस्टेन पैडल की वॉइस कैसे मिलेगी, दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें इसको टच करना है, दूसरे पॉइंट को लीड के दूसरे साइड से आपको इसमें कनेक्ट करना है जो हमने तार को खोला हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों एक बार, दोस्तों आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे देखेंगे जहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखता है कि आपका पैडल लिख के आता है कनेक्टेड, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका पैडल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपका सस्टेन पैडल वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों आप इसकी वॉइस को फिर से सुनेंगे एक बार, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपका PED लिख के आ रहा है, यानी कि आपका पैडल कनेक्टेड हो चुका है। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ यहाँ से हट जाता है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ ये आपका पैडल कनेक्टेड हो गया है। तो देखेंगे दोस्तों आवाज को एक बार, तो दोस्तों ये है आपका ट्रिक और ये हमारा मिशन हो गया कंप्लीट, यानी कि आपका सस्टेन पैडल एक ट्रिक के द्वारा सिखाना था मुझे, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, और ये हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से मिशन कंप्लीट हो गया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं शेखर ट्रिकी म्यूजिक चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड से रिलेटेड ऐसी ही ट्रिक यहाँ पे मिलती रहेंगी, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप हमारे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अच्छी लगे वीडियो तो कृपया लाइक जरूर करें। और दोस्तों
हमारे पास रोलैंड XPS 30 कीबोर्ड है। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है या उसमें आपको कुछ सीखना है या आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस आपको हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन या उसकी वीडियो ज़रूर बन के आपके पास आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।